शटर एग्जैक्टली क्या होता है, शटर बेसिकली एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है जिसमें दो तीन अलग अलग कर्टन होते हैं, दो कलर कर्टन होते हैं, कर्टन फर्स्ट एंड कर्टन सेकेंड। प्लास्टिक के से कर्टन होंगे जो ओपन और क्लोज होंगे, तो जब आप क्लोज हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका जो लाइट है वो सेंसर से ब्लॉक हो गया ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक देता हूँ तो अभी लाइट सेंसर के पास नहीं आ रहा है ना, एंड जो ओपन किया वो रिकॉर्ड हो गया प्रॉपर, करेक्ट। वैसे ही आपके कैमरा के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कैमरा बॉडी में रहेगा, अपर्चर लेंस के अंदर है, ठीक है। अब ठीक है। फोटोग्राफ शटर इज अ डिवाइस दैट अलाउज लाइट टू पास फॉर अ डिटरमाइंड पीरियड, एक्सपोजिंग फोटोग्राफिक फिल्म और अ फोटो सेंसिटिव डिजिटल सेंसर टू द लाइट इन ऑर्डर टू कैप्चर अ परमानेंट इमेज ऑफ अ सीन। अब अगर हम लोग बात करें कि जैसे मेट्रो का ठीक है। दरवाजा है या कोई भी दरवाजा, अगर मेट्रो का दरवाजा ओपन होता है 2 मिनट के लिए तो बहुत सारे लोग अंदर जा पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लोग अब टाइम के लिए वो दरवाजा ओपन था। नल का टैप अगर आप फटाक से बंद कर दोगे तो पानी कम गिरेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली ओपन करके रखो तो पानी ज्यादा गिरेगा, राइट। करेक्ट। तो वैसे ही होता है कि शटर स्पीड इज मेजर्ड इन द फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड एंड इंडिकेट्स हाउ फास्ट एंड द कर्टन्स ओपन एंड क्लोज। ओके, शटर स्पीड इज मेजर्ड इन द फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड एंड इंडिकेट्स हाउ फास्ट द कर्टन्स ओपन एंड क्लोज। शटर स्पीड कंट्रोल्स हाउ लॉन्ग लाइट एंटर्स इन टू द लेंस एंड हिट्स द इमेज सेंसर। ओके, वो अंडरस्टैंड करेंगे। स्नैपिंग द शटर इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑल्सो गिव्स यू द कंट्रोल ओवर हाउ मोशन गेट्स रिकॉर्डेड। जैसे कोई अगर मोशन हो रहा है और उसको आपको फ्रीज करना है, कैसे करोगे? यूजिंग द शटर स्पीड, जो स्पीड है उसको फ्रीज कर सकते हैं। टाइम को फ्रीज करते हैं ना, वैसे स्पीड को अगर फ्रीज करना है तो वो शटर स्पीड से होगा। इफ द शटर स्पीड इज फास्टर देन द ऑब्जेक्ट और अ बैकग्राउंड देन द इमेज विल बी टैक शार्प। अगर शटर स्पीड जो है वो सब्जेक्ट के मूवमेंट के स्पीड से ज्यादा है, सब्जेक्ट की जो मूवमेंट की स्पीड है उससे ज्यादा है तो आपका सब्जेक्ट फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वो शटर स्पीड जो सब्जेक्ट का मूवमेंट है उससे कम आ रही है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाएगा, करेक्ट। जाते समझ आ रहा है? अब शटर स्पीड हमेशा सेकेंड्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में काम करती है। सेकेंड्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, सेकेंड्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड मतलब कैसे कि 1 सेकेंड का अगर ड्यूरेशन है तो वो 1 सेकेंड लगेगा उस कर्टन को ओपन और क्लोज होने के लिए, करेक्ट। अगर शटर स्पीड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में जा रही है, जैसे 1/125, तो 1/125 में क्या होगा कि जो आपका 1 सेकंड का ड्यूरेशन अगर मैं 125 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो इंडिविजुअल जो सिंगल पार्ट आएगा उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका जो शटर है वो ओपन होके क्लोज होने वाला है। तो ये शटर स्पीड का चार्ट, अब यहाँ पर ये बोल सकते हो कि आप क्लियर रिलेशनशिप है, उसमें इनवर्स था ना, उसमें इनवर्स हाँ था, उसमें क्लियर है। उसमें क्लियर कैसे ठीक रहेगा? है। 25, 30, 50, 40, 60, 80, 100, 125। तो जैसे ही ये शटर स्पीड कम रहेगा तो ज्यादा टाइम के लिए लाइट अंदर आएगा और इमेज में ब्राइटनेस ज्यादा होगी। जैसे ही आपका शटर स्पीड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ लाइट कम होते जाएगा, करेक्ट करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? कूल। जी। तो ये एक पहला हो गया, और शटर स्पीड का मोशन और फ्रीज करने वाला काम वो भी देखते हैं। मोशन फ्रीज करना मतलब क्या कि जब ऐसा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे इस केस में मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, इस वाटर केस वाटर है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रॉपर क्लियर दिखाने हैं, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो प्रॉपर क्लियर दिखाने हैं ये, तो मैं क्या करूंगा, मैं शटर स्पीड ज्यादा रखूंगा, करेक्ट। लेकिन अगर मान के चलिए कि मेरा शटर स्पीड कम है एंड मुझे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो ऐसे स्पीड में नहीं दिखाने हैं, ऐसा पूरा एक लाइन दिखाना है जिसको हम लोग मिल्की वेव्स भी कहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, शटर स्पीड कम कर दूंगा, राइट। समझा? तो अभी फॉर या एग्जांपल इन्होंने ISO 25 रखा हुआ है और 1/30 सेकेंड की आपकी शटर स्पीड है, यहाँ पर ISO 100 है और 15 सेकेंड की शटर स्पीड है। 15 सेकेंड मतलब बहुत ही स्लो, 15 सेकेंड तक आपका शटर स्पीड जो है वो यूज हो रहा है, 15 सेकेंड तक शटर ओपन है। तो आपको इस प्रकार से ये लाइट के ये मिलेंगे, जैसे हाँ अगर आपने देखा होगा लो लाइट, सॉरी हाईवेज पे जो लाइट ट्रेल्स आते हैं, हाईवे पे जो लाइट ट्रेल्स होते हैं, वो भी आपकी लो शटर स्पीड के साथ ही कैप्चर किए जाते हैं।
यहाँ पर आप देखोगे फ्रीजिंग मोशन, स्लो शटर स्पीड, मोशन ब्लर एंड फास्ट शटर स्पीड मोशन फ्रीज, राइट? हाँ, अब ये जरा मेरे लिए रीड कीजिए। You may need to push your ISO up high enough to allow you to freeze your subject. Example, in most sports, 1,500th of a second is the starting point for freezing action. How to do it? Set your aperture to an aperture setting of f/2.8 or f/4. This will allow for a quicker shutter time, which will in turn freeze the action. Example, if you're shooting a sporting event in the sunlight, you may need to have your shutter time set to 1 by 500 or faster. If this is still not freezing the action, make the shutter time even more quicker. Try and anticipate the action and release the shutter at the moment you think it will happen. Be aware that your focus will need to be spot on. With a wide aperture, you run the risk of misfocusing and missing a shot. जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना, बेसिकली बैकग्राउंड ब्लर जो होता है, वो टॉपिक है, वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, फोकल लेंथ, फोकसिंग डिस्टेंस एंड अपर्चर। अगर अपर्चर आपका 2.8 है, लेकिन अगर आपका फोकसिंग डिस्टेंस बहुत दूर है, 50-60 मीटर के आसपास, तो भी आपको बैकग्राउंड ब्लर अच्छा मिलता है। तो उन्होंने क्या बोला है, 2.81 रखने की वजह से आपका फोकस अच्छे से होगा, कैमरा की लेंस जल्दी अच्छे से फोकस कर पाएगी। और उसके बाद में अगर आप देखोगे कि सब्जेक्ट जो है, अगर शटर स्पीड ज्यादा भी आपने रखी है, तो भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। थोड़ा टेक्निकल में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने एक्सपोजर पढ़ा नहीं है, तो शायद डिफिकल्टी वो अंडरस्टैंड करने के लिए। बट इतना ध्यान में रखना है कि शटर स्पीड फास्ट रखोगे और आपका अपर्चर कम रखोगे, तो भी कोई आपकी इमेज के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज अच्छी आएगी। फुटबॉल वगैरह, जो सॉकर वगैरह जो गेम्स होते हैं, इन गेम्स में यही सारी चीजें जो अच्छे से की जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं फ्रीजिंग मोशन के एग्जाम्पल्स। जैसे आपने यहाँ पे देखा तो एक्शन है, फ्रीज हो रहा है मोशन। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीजिंग मोशन, यहाँ पर आपको देख सकते हो फ्रीजिंग मोशन, यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर हो गया है और सब्जेक्ट प्रॉपर कैप्चर हुआ है, राइट? वैसे एंड यू कैप्चर, आप यहाँ पे मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेते हो? हाँ, एग्जैक्टली। बस मोड में क्लिक होता है, जिसको FPS कहते हैं, फ्रेम पर सेकंड। होता क्या है कि जब भी कोई एक्शन होगा, तो उस वक्त आपको बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि एक शॉट में एक्शन मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल शॉट, देयर इज अ वन सेटिंग इन द कैमरा व्हिच कॉल्ड इट एज अ बस मोड, इसको हम लोग मल्टी मोड भी कहते हैं। ड्राइव मोड जो होता है बेसिकली वो ऑटोमेटेड है, बिकॉज यू नो बटन होता है कैमरा के अंदर, ह्यूमन रिएक्शन तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। क्या होता है कि आपने बस मोड अगर चालू कर दिया, तो बस मोड चालू करने के बाद आपको कैमरा जो है वो एक आपकी जो भी पर्टिकुलर ये है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको मेरी इस कैमरा की स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये हाई स्पीड कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है ड्राइव मोड। यहाँ पे मैं अगर रखूंगा तो सिंगल इमेज है, अभी मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक सिंगल इमेज मिलेगा, करेक्ट? सिंगल इमेज हो गया, यहाँ पर मैंने कैप्चर कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ड्राइव पे, मैंने एच वाला ऐड कर दिया, ड्राइव हाई वाला। अब मेरे कैमरा की जो भी सेटिंग है, अगर मैं मान के चलिए अपर्चर पहले कम कर देता हूँ मैं, ओके, और मैं शटर स्पीड अभी रख रहा हूँ, अब मैंने बटन दबा के रखा हुआ है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, बटन दबा के रख रहा हूँ, ठीक है? अब टोटल कितने ये सारे इमेजेस दिखाई दे रहे, डेटा जो रिकॉर्ड हो रहा है फोल्डर में जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इतने सारे इमेजेस क्लिक हो गए फटाफट, एक एक बटन, एक बार मैंने बटन प्रेस किया एंड मल्टीपल कम से कम 20-22 इमेजेस क्लिक हो गए। अगर फिर से मैं करूं, मैंने इसे बटन, कैमरा को आपको साउंड सुनाई देगा, फोकस हुआ, चौदह इमेजेस तो कंटिन्यूअसली कैप्चर कर रहा है वो, उसके बाद में और ये कर रहा है, डेटा अभी कंप्यूटर में जा रहा है। तो जब आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, उस वक्त आपको बेसिकली ऐसे फास्ट ड्राइव मोड की जरूरत होती है। तो उस वक्त आप क्या करते हो, अब जितना भी डेटा होगा, क्योंकि वहां पर वो 120 फ्रेम पर सेकंड तक भी इमेजेस जाते हैं,
30 फ्रेम, 40 फ्रेम्स, 120 फ्रेम्स, बहुत सारे अलग अलग इमेजेस होते हैं। वैसे जैसे भी मैं इवेंट के क्लिक कर रहा था ना लेट नाइट, तो मैं अलग अलग क्लिक कर रहा था, उसके साथ में जब यहाँ पर एक्शन में क्लिक कर रहा था ये वाला, जैसे यहाँ पर ये कुछ बच्चों का गेम खेल रहे थे बच्चे, एक्शन हो रहा है अब, यानी ये मैंने मोबाइल से शॉट लिए हुए है, कैमरा नहीं था, मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करनी थी तो हमने मोबाइल से शॉट ले लिए, लेकिन मोबाइल में शटर स्पीड वगैरह जो है वो मैनुअली हम लोग सेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर हम लोग कैमरा की देखते हैं कि कौन सा वाला है, चलिए यही वाला देखते हैं, रिसेंट वाला, तो इसमें जब गेम्स हो रहे हैं उनके दोपहर के टाइम, तो गेम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फास्ट शटर स्पीड। अभी देखिए ये लो लाइट का शटर स्पीड है, हुआ क्या कि यहाँ पर मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, कैमरा मैंने डाला था सेम ऑटोमेटिक मोड पे एंड शटर स्पीड मेरी थोड़ी सी कम हो गई, एक्चुअली उनका एक्शन हो रहा था लेकिन आप देख सकते हो हाथ ब्लर हो गए यहाँ पे, मुझे इफेक्ट ही चाहिए था कि वो थोड़ा सा ना मदहोशी में है वैसा वाला शॉट चाहिए था, तो इसके लिए मैंने वो थोड़ा शटर स्पीड जानबूझ के स्लो कर दिया और ब्लू कलर लाइट का टोन दे दिया ताकि वो डांस कर रहे हैं तो डांस में वो वैसे दिखाई दे, थोड़ा एक्शन मिल रहा है। भाई अगर मैं आपको दूसरा कुछ दिखाता हूँ, जैसे इसमें ब्लर आ रहा है, हाथ ब्लर आ रहे हैं बिकॉज शटर स्पीड उनके उनके एक्शन से मैच नहीं कर रही थी। यहाँ पर भी देखते हैं, अब यहाँ पर स्लाइटली तीनों का ठीक है बट यहाँ पर हाथ इनका ब्लर हो गया, यहाँ पर भी इनका हाथ ब्लर हो गया, कुछ ऐसे शॉट है जिसमें तीनों को क्लियर करने की कोशिश की है। तो बहुत जरूरी होता है कि आपको इमेज में चाहिए क्या, उस प्रकार से आप अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है? शटर स्पीड आपको समझ में आया जी? करेक्ट। तो शटर स्पीड का मिनट, फ्रीजिंग मोशन, शटर स्पीड हमने देखा। अभी एक बार रीड कर दीजिए, एक बार रीड कीजिए कि ये अलग अलग जो चार्ट होता है बेसिकली अलग अलग सिनेरियोस में आप शटर स्पीड कब और कितना रखोगे वो भी मैटर करता है ना, तो वो आपको यहाँ से अंदाजा मिलेगा। आप जरा इसको रीड कीजिए। So for stars के लिए अगर star trails चाहिए तो 10 minutes plus and single point stars के लिए up to 30 seconds. Okay. Stars move from our perspective very slowly and you need to capture them. You need very long exposures, sometimes multiple 10 minute exposures all the way up to 4 plus hours. And single point stars के लिए if you want to take pictures of sharp stars, don't use a shutter speed above 30 seconds. So that's the maximum you want to take. Yes. Then for vehicles, if vehicle trails are needed, 30 plus seconds, depending on how fast the traffic is going, you'll need at least a 30 second exposure in order to get nice long trails. For vehicles panning, 1/30 to 1/250. Depending on the speed of your vehicle, you'll need to use a different shutter speed. You'll need to experiment until you get the look you want. Okay. Air show. Okay. Okay. 1/250 to 1/750. Choose the slow shutter speed to take blur propellers. Freeze action ke liye 1/110,000 plus, depending on the speed of the subject. Walking blur ke liye 1/4. People are slow. You'll need a slower shutter speed to see motion blur. For a street, 1/50 to 110. Slower shutter speeds for street. That's a tongue twister there. Slower shutter speeds. जब स्ट्रीट शूट करते हैं ना नेहा जी, तो होता क्या है कि स्ट्रीट में तो बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, कभी ना लोग चल रहे हैं, गाड़ियां हैं, बच्चे खेल रहे, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रीट में वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अब उस केस में आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको बेसिकली सब्जेक्ट को कैसे दिखाना है। जैसे आई लाइक स्लोअर शटर स्पीड फॉर स्ट्रीट्स एंड टू फास्ट कैन अपीयर टू आर्टिफिशियल। अगर मान के चलिए कि मेरा एक सब्जी मंडी का सीन है जहाँ पर भाजी वाले भाजी वगैरह बेच रहे हैं, अब उस केस में मुझे क्या दिखाना है, मुझे एग्जैक्टली शार्प, अगर मैं टैक्स शार्प इमेज अगर दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगेगा, बट हाँ थोड़ा सा मोशन दिख रहा है। जैसे इसमें अभी जो इमेजेस हम लोग देख रहे थे ना, जिसमें हाथ थोड़ा सा ब्लर था वगैरह, तो ये आपका इंडिविजुअल तो आपका इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर प्रेफरेंस है वो आता है, क्योंकि जितने भी रूल्स हम लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे रूल्स आप तोड़ सकते हो। सो पोर्ट्रेट, पीपल पोर्ट्रेट,
So 1/125 to 1/200. This is a good speed to shoot. No camera shake. Your subject is still and it is in the range for external speed light sync speeds. What does this mean? Speed light sync speeds. Thank you. पोर्ट्रेट होता है जिसमें 1/125 से लेकर 1/200 तक देखते हैं. पोर्ट्रेट मतलब किसी भी इंसान का फोटो आप क्लिक कर सकते हो. जैसे मैंने वो वहां पर जो मेरे पार्टनर है उनका फोटो क्लिक किया था. अब दिस इज अ वेरी गुड स्पीड टू शूट. नो कैमरा शेक. योर सब्जेक्ट स्टिल एंड इट इज रेंज फॉर एक्सटर्नल स्पीड लाइट सिंक स्पीड. होता क्या है कि जब कोई आपका एक्सटर्नल फ्लैश आप कैमरा के सामने लगाते हो, कैमरा के ऊपर लगाते हो, जो यहाँ पर ऑटो शो होता है ना, यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल फ्लैश भी लगाते हैं. आपने कई बार देखा होगा कैमरा के ऊपर फ्लैश लेके ऐसा चलते हैं. तो जब आप फ्लैश लगाते हो तो वो फ्लैश जो शटर स्पीड को सिंक करता है वो मैक्स टू मैक्स 1/200 तक जाता है. बहुत सारे जो एडवांस फ्लैशेस थे वो अप टू 200 तक ही जाते हैं. क्योंकि होता क्या है कि अप टू 200 का जो शटर स्पीड है उस शटर स्पीड में फ्लैश फायर होता है ना, वो लाइट चमकेगा. अगर मैं 1/8000 की शटर स्पीड यूज करता हूँ तो मेरे फ्लैश को टाइम ही नहीं मिलेगा उतना फ्लायर करने के लिए. 1/8000 की शटर स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है. तो इसके लिए बहुत सारे जो एक्सटर्नल फ्लैश थे उनका जो सिंक स्पीड आता था वो लगभग 125 से लेके 1/200 तक ही आता था. लेकिन अभी नए वाले फ्लैशेस हैं, नए वाले जो स्ट्रोब लाइट्स हैं वो हाई लेवल वाले हाई स्पीड स्ट्रोब लाइट्स कहा जाता है उनको, वो आपके 1/4000 तक भी आपको अगर चाहिए तो मिल सकता है. लेकिन बहुत हाईली कॉस्टली लाइट्स होते हैं वो, जिसको स्ट्रोबोस्कोपिक और हाई स्पीड फोटोग्राफी कहा जाता है. एक अलग जॉनर है. ठीक है, तो ये समझा आपको पोर्ट्रेट 1/125 से 1/200 के बीच में. आगे पढ़िए. किड्स, सॉरी फॉर किड्स 1/250 दे आर अनप्रेडिक्टेबल एंड मूव अ लॉट एज यू नीड अ फास्टर शटर स्पीड फॉर देम. ओके ठीक है, अंडरस्टूड. करेक्ट. फॉर स्पोर्ट्स और एक्शन 1/1000 अ गुड starting point, but you can decrease slightly or increase as needed and dependent on the conditions. So basically, agar hum track and field events pe hain, to sab log bahut speed mein ja rahe hain, to probably aap thoda sa increase kar loge. Yes, to but maybe for cricket aap thoda sa ya kam kar loge. Matlab depending on ki aapka jo event aap shoot kar rahe ho, wo kitna speed mein ja raha hai. If somebody is say like walking. कोई भी अगर आप देखते हो तो क्रिकेट हो गया या कोई भी गेम, तो उसमें आपको 1/1000 से लेकर 1/2000 तक आप शटर स्पीड ले जा करके शूट कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे जरूर देखता है. बट अगेन देखना है कि लाइट कितना अवेलेबल है, क्योंकि डे लाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है. अब तो शटर स्पीड ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली लाइट कम आएगा ना आपके कैमरा में. तो आपको ये देखना है कि आपका जो लाइट है वो कितना रहा है, स्पोर्ट एक्शन कितना है. करेक्ट. अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बट यू कैन डिक्रीज स्लाइटली एंड इंक्रीज एज नीडेड द डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस. अब वाइल्ड लाइफ, अब देखो वाइल्ड लाइफ के बारे में बताइए. पैनिंग शॉट्स में 1/50 दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू टेस्ट पैनिंग. इट विल नीड टू बी ट्वीक्ड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द सब्जेक्ट. ओके ठीक है. Again, I understood that. Still wildlife. 1/200. Depending on the length of lens you're using, you can really lower the shutter and when the subject is still. ठीक है. So if it's like a large animal, आप बहुत दूर से shoot कर रहे हो और वो बैठा हुआ है, तो आप 1/200 पे चले जाओगे. Correct. And it's like there's a herd of elephants crossing. जो एलिफेंट पासेस होते हैं, तो प्रॉब्ली आप उसके लिए 1/250 एंड 1/500 यूज करोगे, बिकॉज़ वो मोशन में है. ट्राई कर सकते हो, जजमेंट आपको तभी लगाना है एंड ट्रायल एंड एरर करके देखना है वो आपका होता है वहां पे फील्ड पे. ओके. इन ऑर्डर टू फ्रीज द एक्शन व्हेन योर सब्जेक्ट इज वॉकिंग और मूविंग स्लोली, यू नीड टू इंक्रीज द शटर स्पीड अकॉर्डिंगली. ठीक है. एक्शन 1/1000. Like for any action, faster shutter speed is needed to get minimal motion blur. Say, like a cheetah running, uska motion blur aa jayega. Exactly, exactly. And birds in flight. In fact, ye main puchna cha rahi thi, birds in flight ko kaise karenge? It's there. 1/2000 mein, this will freeze a flying bird's wings
You can also use slower speeds like 1/250 while panning in order to get some motion blur. ठीक है. Birds के लिए बहुत high speed आपको लेनी पड़ती है. Of course. हाँ. ठीक है. Then landscape के लिए. हाँ. Streaked clouds के लिए 30+ seconds. Clouds are not always fast. Even if they are, they often are far away. Therefore, they take a long time to travel across the frame. ठीक है. Blurring water भी अपने हमने देखा 1.5 seconds का. A good starting point to blur moving water, but it depends on the speed of the water itself. ठीक है. General 1/50. The joy of landscapes is in the time that you have to take an image. So anything is good. I tend to start here as it allows for a small aperture and lower ISO. तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. अब बेसिकली जो शटर स्पीड आप यूज़ करते हो, आपके लेंस यूज़ करते हो, उसके बीच में एक रिलेशन है. तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी लेंस यूज़ करोगे और आप हैंडहेल्ड अगर शूट कर रहे हो, तो आपको अगर शेक नहीं चाहिए आपके इमेजेस के अंदर, तो देर इज सम सेफर शटर स्पीड, सेफ शटर स्पीड इसको कहा जाता है. जैसे गाड़ी चलाते हो 80 किलोमीटर वाला ठीक है, उससे ज़्यादा रखोगे तो हाईवे पर पकड़ लेते हैं वैसे. तो सेफ शटर स्पीड का एक फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ. तो जो भी आप शटर स्पीड अगर यूज कर रहे हो, तो उसको अगर आप उतनी फोकल लेंथ यूज कर रहे हो और उतना ही शटर स्पीड रखोगे, तो आपको जो शेक है वो आना थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है. करेक्ट. ठीक है. जैसे अगर मैं 50 mm का शटर स्पीड यूज कर रहा हूँ, तो आइडियली मुझे शटर स्पीड चाहिए 1/50 की, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा मैं, सेफर साइड कम नहीं रखूंगा, 1/60 रख दूंगा. 200 चाहिए तो 1/250 रख दिया, 300 चाहिए तो 1/250 रख दिया, क्योंकि 250 के बाद में डायरेक्टली 1/500 वाला शटर स्पीड आता है ना. एग्जैक्ट नंबर का नहीं आएगा. 1/फोकल लेंथ रखेंगे उसको. यस यस यस. जितना फोकल लेंथ है उससे ज्यादा ही रखना है. सो जितना आपका फोकल लेंथ है उससे ज्यादा ही आपको आपका जो शटर स्पीड है वो रखना है. ठीक है जी. यहां तक समझा? फाइन. सो अब हमने क्या क्या पढ़ा? पहले अपर्चर पढ़ा और शटर स्पीड पढ़ा, दो हमने आज टॉपिक पढ़े. दोनों में कोई डाउट है आपको? नहीं, कोई डाउट. करेक्ट.